नमस्कार। दक्षिण भारतीय व्यंजन अरहर की दाल से बनने वाला सांभर आजकल ज़्यादातर लोगों की पसंद बन चुका है। आज एक से अधिक सब्जियों वाला सांभर बनाना बता रहे हैं। सामग्री: अरहर दाल, मसाले, सांभर मसाला, हल्दी, नमक, सरसों, हींग, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच छिलका निकली उड़द दाल, अरहर दाल 1 कटोरी, कड़ी पत्ता और इमली भिगोकर मसल कर छान कर निकाला गया पानी। इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जियों में ये है: सहजन, बैंगन, गाजर, घिया, खीरा, सफ़ेद कद्दू, आलू, बीन्स, पीला कद्दू और प्याज। इसके अलावा कुंदरू भी डाल सकते हैं। वैसे तो साधारणतया सांभर में मौसमी सब्जियां ही डाली जाती हैं। सब्जियों को कम मात्रा में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। यदि 5 रंग की सब्जियां हों तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यह है गाजर, बैंगन, घिया, प्याज, आलू, सफ़ेद कद्दू, सहजन, खीरा, बीन्स और पीला कद्दू। अब इसके बाद एक पतीले में अरहर की 1 कटोरी दाल लेंगे और इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह से अब स्टोव में कुकर चढ़ाएंगे। इसमें करीब 1/2 लीटर पानी डालें। पहले सारी सब्जियां कुकर में डालेंगे। और फिर इसके बाद दाल डालेंगे। इस तरह से करने पर दाल सब्जी के पानी के साथ पकने से सुपाच्य हो जाती है। सांभर में 1 सब्जी भी डाल सकते हैं। यदि केवल प्याज या सहजन की फली हो तो केवल छोटी साइज की प्याजों को डालकर बनाए सांभर को कांदा सांभर भी कहते हैं। अब इसमें हल्दी 1/4 चम्मच, और नमक 1.5 चम्मच या इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद करें और स्टोव जला कर इसे पकाएंगे और 1 सीटी आने पर एक सीटी आने पर स्टोव धीमा करेंगे और 10 मिनट पकने दें। 10 मिनट बाद स्टोव बंद करें और कुकर ठंडा होने दें। ठंडा हो जाने पर
ढक्कन खोलकर देखें और इसे चलाएंगे। दाल और सब्जी अच्छी तरह से पक गई है। कुकर उतार कर अलग रखें। अब तड़का लगाएंगे। इसके लिए कढ़ाई स्टोव पर रखें। ये तड़के में डालने वाले मसाले हैं इमली का तैयार किया हुआ पानी, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है सरसों, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच छिलका निकली उड़द साबुत या दाल, थोड़ी हींग और कड़ी पत्ता। और इसके बाद ये है सांभर मसाला। स्टोव जलाकर कढ़ाई गर्म होने दें। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मनचाहा तेल डालें। इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर पहले हींग डालें, फिर उड़द दाल डालें, राई या सरसों, और साबुत मिर्च, और बाद में कड़ी पत्ता डालेंगे। जब सरसों चटकने लगे तो इसके बाद तो थोड़ा करीब 4 टेबल स्पून पानी डालें। और इसके बाद 1.5 या 2 चम्मच सांभर मसाला डालें। और इसे चलाकर इमली पानी डाल देंगे। और अब इस सब को कुकर की दाल में डाल दें। अब सांभर को 5 मिनट और उबालें। यदि पतला करना है तो थोड़ा पानी और डाल दें और उबालें। सांभर यदि पतला बन गया है तो इसमें पड़े हुए आलू को मसल दें। सांभर गाढ़ा हो जाएगा। यदि स्वाद में तीखा पसंद है तो 1/2 चम्मच या 1 चम्मच मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च डालें। इससे तीखापन होने के साथ साथ इसका रंग भी बदल जाएगा। इस तरह के बनाए हुए सांभर में सब्जियों की मात्रा अधिक होने के कारण फाइबर या रेशा ज़्यादा होने से
कब्ज नहीं होती और शरीर में विटामिन्स और खनिजों की कमी नहीं होती। आजकल हर मौसम में सारी सब्जियां मिलती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डालें। सांभर तैयार हो चुका है। सांभर को इडली, डोसा, बड़ा या चावल के साथ खाएं। इसे अपने भोजन में हमेशा शामिल करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।